तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद अर्जुन सिंह जी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद पश्चिम बंगाल के राजनेता श्री देवेंदु अधिकारी जी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी और अमित मालवीय जी से कि आप उन्हें सदस्यता पत्र देकर पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करें। बीच में दोनों को ले लीजिए, आप लोग दोनों के बीच में दोनों लोग आ जाएंगे बीच में। आप सामने देखिए, बीच में आप आइए। मेरा विनम्र निवेदन माननीय दुष्यंत गौतम जी से है कि आपको संबोधित करें। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ पूरा देश और विदेश में बढ़ रहा है, देश की समस्त जनता अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करती है। आज जिस प्रकार से देश पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने संसद की चौखट पर जाकर जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी, आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर उनको एक संपन्न जीवन जीने के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ, ना उसमें जाति देखी, ना धर्म देखा, ना भाषा देखी, एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पर अगर ख़त्म किया है तो उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की सहभागिता रही है। और आज जिस प्रकार से उनका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। आज देश में अनेकों अनेक राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है ये, प्रदेश स्तर पर भी हम कर रहे हैं और जिला स्तर पर भी, सभी स्तरों पर सभी स्तर के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज उसी दिशा के अंदर वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के श्री अर्जुन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ में देवेंद्र जी अधिकारी जी, जो दो बार के काउंसलर रहे हैं, तीन बार के MLA रहे हैं और सांसद हैं, वर्तमान दूसरी बार TMC के सांसद हैं। और वहाँ पर जो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बहनों के साथ में अत्याचार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ की जनता और वहाँ के नेतागण अमन, चैन और शांति चाहते हैं, लेकिन वो लगता नहीं कि ममता दीदी के हाथ में सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वहाँ के समस्त लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अर्जुन सिंह जी का और देवेंद्र जी का, और मेरे साथ में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय अमित मालवीय जी का, कृष्ण कुमार शर्मा जी का, संजय मयूख जी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा सादर आग्रह माननीय अमित मालवीय जी से है कि आपको संबोधित करें। इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मंच पर मेरे साथ पार्टी के महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता KK शर्मा जी और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता लेते हुए हमारे सांसद अर्जुन सिंह जी और दिव्येंदु अधिकारी जी, आप दोनों बंगाल में वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहे हैं, चुनावी संघर्ष
करते हुए अनेकों बार सार्वजनिक पदों पर भी रहे हैं। अर्जुन सिंह जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन कुछ अवधि के लिए पार्टी से सक्रिय संबंध न होने के कारण पुनः पार्टी की मुख्य धारा में जुड़ने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। हम उनका स्वागत करते हैं। अर्जुन सिंह जी 4 बार के विधायक हैं, वर्तमान में सांसद हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता दिव्येंदु अधिकारी जी हैं। दिव्येंदु अधिकारी जी 2 बार काउंसलर रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार से सांसद हैं और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। जिस प्रकार से आज दिव्येंदु अधिकारी जी और अर्जुन सिंह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का निर्णय लिया है, उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रदेश को नेतृत्व देने में असफल रही हैं। जिस प्रकार से संदेश खाली पिछले 2 महीनों से लगातार खबरों में बना हुआ है और जिस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके सम्मान का सौदा करने का काम जो ममता बनर्जी ने किया है, उससे पीड़ित होके हमारे सामने आज ये 2 सांसद पार्टी की सदस्यता लेने के लिए यहाँ आए। इतना ही नहीं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है और खास तौर से मुख्यमंत्री और उनके परिवार के जो निकटतम लोग हैं वो भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसके कई मंत्री आज भ्रष्टाचार के लिए जेल में हैं। ममता बनर्जी के खुद के सगे संबंधी तमाम मामलों में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। जिस प्रकार का लॉलेसनेस पश्चिम बंगाल में देखा जाता है वो शायद ही किसी अन्य प्रदेश में देश में देखा गया। हम सब ने 2021 के विधानसभा के चुनाव के बाद हुई हिंसा, बलात्कार और ऐसे अन्य जघन्य अपराधों की जो घटनाएं थी वो देखी, वो सुनी। उनमें से कई मामले ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है और इन सभी मामलों की जवाबदेही सीधा और सीधा ममता बनर्जी पर बनती है। पश्चिम बंगाल आज परिवर्तन के लिए आतुर है और उसी श्रृंखला में बहुत सारे पश्चिम बंगाल के नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग पश्चिम बंगाल को नई दिशा दे सकते हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल को नए सिरे से बना सकते हैं, संवार सकते हैं, उन सब को भारतीय जनता पार्टी में हम लेने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छी राजनीति दे सकते हैं। मैं पुनः बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।